Was created by Vanessa here and Sanjay Khan to help children, to help them to discover culture, to give them great education through culture, art, dance. Sanjay is a professional dancer, so he's very helpful, and he wants to make discover the culture through the dance, especially. And in France, the association with Vanessa and Sanjay, they organize some class each month to learn Indian dance and to collect funds to reverse to the association and to lead many projects to help children especially. It's such an honor to be welcome with so many people. We are very grateful to meet everybody here, children, to discover Assam dance. And it's so emotional for us. It's difficult to find the right word to describe how we feel. It's so amazing and so much emotion. Thank you to all of us, all of you. All of Namaste Gandhini. मोटिवा जाहैबाय जायनिकि गथ'फोरा मोजां डान्स सोलोंनानै प्लेटफर्म मोना फैसा मान्थलि फिस होनानै डान्स सोलोंनो हाया सो बे एसोसिएशना बिथांमोननि कारने जाबाय बे जोबोद मोनसे गोदोर माने जों बेयाव साक्सेस होनना बुंनांसिगोन मानो होनबा ओजों जोङो गुबुन कान्ट्रियाव थांनो हाया जों गुबुन कान्ट्रिनि मानसिखौ बेयाव लाना फैनानै जोंनि फुलफिलखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो आरो आङो थेंक इउ गोजोन्थों होनो नागिरो बे खनसायपारा रायजो राजा आरो बिथांनि गामिनि रायजोफोरखौ बिसोरो जोंखौ बे खामानिखौ सालायलांनायाव बहुत हेफाजाब होबाय सो बेनो जोंनि मटिभा बेनि एसोसिएशननि फाउन्डारा जाहैबाय मिस्टार सन्जय खान बिथाङा NRI बिथाङा 2015निफ्रायनो जोंनि टंला ओनसोलाव फैनानै जोंदो डान्सनि लाइनाव मोजां मोजां मटिभेसन मेन्टेलि ग्रोथ जानाय खोथा जोंदो रायज्लायबाय थादों मोजां मोजां डान्सफोरखौ माबायदि लांनांगौ माबायदि गावनि माने केरियारखौ बानायनांगौ बिनि सायाव बिथाङा बहुत जोंखौ नलेज होबाय सो आङो जोंनि टंलानि जानानै आं जोंनि टंला रान डान्स एकाडेमि एन्ड जोंनि एसोसिएशन नमस्ते गान्धी टंलानिफ्राय जों टीमनिफ्राय बिथांमोनखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय आरो खनसायपारा रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोंनि टीमनिफ्राय साबायखर बावबाय जोंनि मटिभाबिनो थेंक यू ये एसोसिएशन नमस्ते गांधी ये एक एसोसिएशन है अभी हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है फ्रांस के अंदर एक्चुअली ये फ्रांस की एसोसिएशन है और मैं यहाँ आता रहता था वर्कशॉप करने के लिए एरियल और कंटेम्प्रेरी का तो मैंने देखा एक जगह है जो खाली पड़ी हुई है काफ़ी सालों से तो मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ तो मुझे लग और मैं देखता रहता था जब मैं वर्कशॉप करवाता था कुछ बच्चे थे जो मुझे और बाकी जो बच्चों को देखते रहते थे तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक एसोसिएशन बनाऊँ फ्रांस के अंदर क्योंकि मैं अभी फ्रांस में रहने लग गया हूँ तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि एक एसोसिएशन होना चाहिए जिसमें स्टडी हो डांस हो म्यूजिक हो थिएटर हो पेंटिंग हो इस तरीके का जैसे फ्रांस में कई जगह स्कूल्स में होता है वहाँ पर तो ये एक आइडिया है जस्ट अभी बट हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं और फंडिंग सर्च कर रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ तक अभी तो पार्ट चढ़ना है हमारे जनता को क्या मुनाफा देखिए जनता को नहीं इसमें बच्चों का है मेरा भी नहीं है आपका भी नहीं है इसमें मैं चाहता हूँ कि बच्चों का जो माइंड है वो थोड़ा डेवलप हो वो थोड़ा क्रिएटिव बने और इस तरीके का मेरा एक सोच है क्योंकि मैं तो अभी फ्रांस में रहता हूँ मैं वहाँ पर बच्चों को देखता हूँ तो बच्चे वहाँ बड़े क्रिएटिव होते हैं और मैंने देखा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े शर्माते हैं और कई बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते डांस को और कई चीज़ों को तो मेरा एक ये ड्रीम है इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा है वो सिंपल ड्रीम प्रोजेक्ट है जब स्कूल बन जाएगा तो अभी तो उसका नाम सिंपल ड्रीम रखा हुआ है तो ये बन जाएगा तो बहुत खुशी होगी मेरे को।